के आप एक हाँ जी जी सेंटर में आ जाओगे ठीक हो थैंक यू सो मच नहीं 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 बस ठीक है जी। एक तो टीना जी ने कहा ये बीजेपी का कलर है, ये ठीक नहीं है। बीजेपी का कलर तीन रंगों का होता है। झंडे का नाम ले रहे हैं। बीजेपी के कलर में एक हरा होता है और एक नहीं एक वो एक ये होता है हाँ केसरिया, तो तब बीजेपी का होता है ये। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो वेरी मच। तो मैं ऐसे कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, ये हमारे राष्ट्र के झंडे में भी कलर है लेकिन बीजेपी का कलर ये सिर्फ नहीं है, ये विश्व हिंदू परिषद का कलर। बीजेपी का कलर तो मैं मनोज तिवारी जी को ही मान रही हूँ। ये संतों का कलर हो सकता है, सनातन धर्मियों का कलर हो सकता है, उसका बहुत आदर करता हूँ मैं। मेरे मेरे सर पे रखा गुरु जी ने, बहुत बहुत धन्यवाद। और चूंकि आज हमारे संसदीय सत्र का आखिरी दिन है और आज हमारा संसद चलेगा 9 बजे तक, आधार बिल आया है उसको हम लोगों ने पास किया ताकि हर व्यक्ति का इस देश का अपना एक नंबर हो, जो भी सुविधा मिलती हो डायरेक्ट हो, कोई देश का व्यक्ति बिचौलिया बन के हमारे और आपके बीच में ना आए, ये व्यवस्था करने के लिए हम लोगों ने आधार बिल को कानूनी जमा पहना के उसको देने की। आज वो 9 बजे रात तक होगा और मैं 6 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं जाके आखिरी जो वोटिंग होगी मैं उसमें प्रेजेंट रहना चाहता हूँ, ताकि आने वाले समय में कहूंगा जब ये आधार बिल पास हो रहा था तो मैं भी उसमें था और दिन में मेरा चूंकि उपस्थिति थी इसलिए मैंने आपको पहले कह दिया था कि मैं आऊंगा। और मैं ये भी चाहता हूँ क्योंकि दादा साहब फाल्के से जुड़ा हुआ ये आज जूरी का अनाउंसमेंट है अवार्ड से जुड़ा, तो आप लोग सिर्फ ये कह के ना कि मनोज तिवारी वहां तक पहुंच गया बड़ी अच्छी बात, मैं इसी परिवार का हूं और एक प्रतिनिधि हूं वहां पे, तो मैं चाहूंगा कि समय समय पे हमारी जो समस्याएं हैं वो भी हम लोगों के इस संस्थान के मार्फत, दादा साहब फाल्के अवार्ड संस्थान में मानता हूं, इसके मार्फत अगर पहुंचता रहे तो मैं निश्चित रूप से हम लोग डायरेक्ट वहां से वो चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मिशन है। और थैंक यू वेरी मच, आपने अनूप जी को जूरी में रखा है और दूसरी जूरी दुर्गा जी भी है, आपके साथ नहीं रूबी जी आए थे वो चले गए, कुछ उनकी प्रॉब्लम होगी आए इनसे मिले आके चले गए, इस्माइल दरबार जी है वो पहुंचते होंगे, कुछ लोग लेट आ रहे हैं, सरोज खान जी है वो वेल टूर पे गई हुई है और बहुत से लोग आने वाले आ रहे हैं। बहुत अच्छा है, ये तो जो दुनिया ही आना जाना है कुछ चाहेंगे, लेकिन सुनील जी आप मेरा फोन का जवाब नहीं देते, आज आपने करेक्ट नंबर दिया, अभी मेरा शो था एक कल उसमें मैं आपको ढूंढ रहा था और मैंने 2.5 लाख का बजट बनाया था लेकिन और इससे भी थोड़ा पढ़ा के बोलूंगा ताकि अफसोस करता रहे कहीं कहीं तक वैसे 1.5 लाख रुपए में आ जाता है। अच्छा इसमें तो कुछ नहीं मिलता होगा यहाँ तो तो मैं इतना ही कह के जाऊंगा कि अभी मैंने हाल ही में शाहरुख खान के फिल्म का गाना गाया जो फैन फिल्म आ रही उनकी, तो उसका जो भोजपुरी वर्जन है मैंने गाया, तो मैं इसलिए उसको याद दिला रहा हूँ कि आप ये मत सोचिएगा कि मैं चला गया हूँ तो इधर छोड़ दिया हूँ, मैं इधर हूँ और मजबूती से हूँ, क्योंकि शाहरुख खान के ऊपर गाना गाने के लिए दशक बीत जाते हैं, तो मैंने मुझे वो मौका मिला है और बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हम बना रहे हैं कि हमारी भोजपुरी फिल्मों को एक और नया आयाम कैसे मिलेगा, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत सारी भोजपुरी भाषा संविधान की भाषा आज तक नहीं थी, तो मैं आज यहाँ मंच पे बोल सकता हूँ कि 3 लैंग्वेज
अगले सिक्स मंथ में भोजपुरी के संविधान के आठवें अनुसूची में होगा, वो है राजस्थानी, भोटी और भोजपुरी, क्योंकि ये भाषाएं देश के बाहर मान्यता प्राप्त है और देश में मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इसको, हालांकि ये नुस्खा हमने नहीं निकाला, ये नरेंद्र मोदी नहीं निकाला किसी के जानकारी से, 38 भाषाएं संविधान के आठवें अनुसूची में आना चाहती है, नोट पे लिखा जाता है, तो मैंने सबमिशन किया, क्या जरूरत है नोट पे लिखने की, भाषा को और जितनी सुविधाएं मिलती है वो तो नोट पे नहीं भी लिखी जाएंगी तो चलेगी, लेकिन जो जो भाषाएं चाहती है कि मैं इस भाषा में राष्ट्र में काम हो तो होना चाहिए। मनोज जी, आपके आपके हॉल में हमारी पिक्चरें लगी रहती हैं, बड़ा जो आपने आपसे मुलाकात हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं